कोरोना काल और किसानों के आंदोलन के बीच संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से सत्र का आगाज हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया, साथ ही 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा की निंदा की, तो वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की तारीफ की। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में दो दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपर रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।